वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, वी विल डिमांड फॉर द कॉम्पेंसेशन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि कल कोई भी हो सकता है. We want this issue to not be repeated again. We do not want any more dead bodies, and we should take this as a wake-up call. तो इन डिमांड में सब लिखा है कंपनी से मिलना चाहिए मिनिमम 1 crore फॉर कैजुअलिटीज, और जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए. ये देखिए, अभी ऑलरेडी हम लोग जो है शाम से एक्शन शुरू किया है. अभी 3 units की हमने क्या कहते हैं बेसमेंट हमने की है, क्लोज की है. बाकी आने वाले दिनों में वी आर टेकिंग एक्शन. पुलिस ने एक्शन लेते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट किया. एमसीडी ने कुछ प्रॉपर्टी सील भी की. तो ये तमाम जो कार्रवाई है बेटा, इससे संतुष्ट है आप? नहीं. आप देखेंगे आसपास भी कोई एमसीडी ने एक्शन लिया है, आप देख रहे रास्ते कैसे हैं. अगर फिर से बारिश हो जाएगा फिर से वही सिचुएशन आएगा. ड्रेनेज कोई भी क्लीन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है. और जो राउस का स्टेटमेंट भी आया है, हमारे हाथ में ही पड़ा इंस्टीट्यूशन का, कोई कॉम्पनसेशन. आप दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, सब दुखी है. क्यों नहीं कोई दुखी होगा, किसी फैमिली ने अपने बच्चा खोया है. बट आपने कॉम्पनसेशन का कहाँ बात किया है? एक्चुअली में तो वो बात है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहा, अपोलोजाइज कब किया है कि वी आर सॉरी, इट वॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ वी विल कॉम्पनसेट फॉर द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. कहाँ लिखा है आपने? बच्चों को इतना, जो आउटस्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे. बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा. सॉरी बोल के क्या होगा कि मतलब ठीक है गलती हो गया, हम मानते हैं, वी वेरी सैड अबाउट इट. तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, वी विल डिमांड फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि कल कोई भी हो सकता है. तो इनके इंसिडेंट से पहले, 2 दिन पहले एक और हमारे साथी थे जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक से. वो भी मेंस दिख रहे थे, ये भी मेंस दिख रहे थे. तो उनके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना. हमें चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से. तो इसके अलावा एमसीडी जो ऑफिशियल्स हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको भी एक्शन की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? उनको हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से बात करिए. हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं, पॉलिटिशियंस 2 मिनट आते हैं, अपने बाइट देते हैं और चले जाते हैं. हम स्टूडेंट्स हैं, हम पूरे साल रहते हैं, आप हमसे बात करिए. आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का डिमांड तभी जान पाएंगे ना जब आप हमारे बीच में आएंगे. और क्या हम यहाँ के वोटर्स नहीं है क्योंकि हम आउट स्टेशन है, इसलिए आप बात करने नहीं आ रहे हैं हमसे क्या? बिकॉज वी आर नॉट द वोट बैंक. हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिलने नहीं एमसीडी का. आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है. अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे 1 घंटे ही बारिश हो जाए भी हालत दिख जाएगी, कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा. हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल से डीसीपी साहब को हम शाम से दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन कैजुअलिटीज जो पता चले, जो जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, FIR की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है. अभी जो कंडोलेंस लेटर इन्होंने निकाला गया रहा है, इसने कुछ नहीं है, सिर्फ यार सैड. उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो. दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी. हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए मिनिमम 1 crore फॉर कैजुअलिटीज, जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है. दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है इलेक्ट्रिक वायर्स की, ना तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, ना कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है. बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है. मान लो आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए, बारिश तो होगी, मानसून आ रखा है, हर साल आता है, लोग पता नहीं हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है. ये वजीरा बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में. आगे जो चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है. जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इसको कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से. तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझे, कोई इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो कोई बेनिफिट है हमारे यहाँ पे?
हैव रेज्ड आवर डिमांड्स, वी हैव गिवन देम टाइमलाइन फॉर द डिमांड्स. हमारी डिमांड जैसे कि उन्होंने बताया, हमारी 6 डिमांड्स है. हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए ऑफ द सर्वाइवर्स. वी ऑल्सो वॉन्ट द डिटेल्स ऑफ द डिजीज. We also want copy of the FIR. We also want an independent judicial inquiry to be against all the culprits. And we want this issue to not be repeated again. We do not want any more dead bodies. And we should take this as a wake-up call. That iske iske regarding kuch to action ya resolution liya jaye. Patel Nagar ki death was not enough. This death is not enough. When will we take action?